जोरदार वाली तालियां हो जाए अभी वहां। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। एंड लखनऊ का नाम ले तो लखनऊ अपने आप में ही अपना लखनऊ। लेकिन अपना दसब ना तो पायल दीदी है, क्योंकि दो मिनट में सामने वाले की सारी रंगबाजी निकाल देती है। नाम भी नहीं पता। मेंटल 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 गले में रख। अबे शाले, सही से बोल तो पाता नहीं है और छेड़ना। ये जो पिक्चर है इसमें मेरा किरदार का नाम है मेंटल, जो कि एक लड़की है और वो काफी टॉम बॉयज टाइप की है। और वैसे मैं रियल में भी वैसी ही हूँ, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये प्ले करके। ऐसा लगा था मैं खुद को ही प्ले कर रही हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और हमारे सर ने भी बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, तो पूरी कास्ट जो भी बहुत बहुत अच्छे से एकदम फैमिली के जैसे थी, तो मुझे बहुत मजा आया शूट करके। और इस पिक्चर में आपको क्या खास लगा, क्या सीखने को मिला है? ये सीखने को मिला कि जो आजकल डिजिटल जितनी चीज इतनी आगे बढ़ गई है, खासकर फोन। अभी लखनऊ में ही एक लड़की जो है उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि वो अंधी हो गई थी बिकॉज फोन रात में चलाती थी वो लाइजर। तो फोन इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया आज के लोगों का। फोन चलाना अच्छी बात है, उससे सीखना अच्छी बात है, लेकिन एडिक्शन नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। तो वो एडिक्शन के ऊपर ये मूवी बनी है, जो कि सेल्फी पे है। सेल्फी एडिक्शन भी एक टाइम पे बहुत चला था और आज भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मूवी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, को पता चले कि सेल्फी कितना ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। लीजिए, अच्छे से लीजिए, लेकिन एडिक्ट मत हो जाइए उस चीज का। इससे पहले भी आपने पिक्चर में काम किया या पहली पिक्चर आपकी? ये मेरी डेब्यू मूवी है और बहुत अच्छा लगा काम करके। डेब्यू में ही बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। बाकी इसके बाद मैंने और मूवीज की हुई है, लेकिन ये पहली मूवी है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आगे आपको और मौका मिलेगा? बिल्कुल मुझे मौका मिलेगा। मैं हूँ ही उस चीज के लिए, मैं पैशन हूँ, मेरा पैशन हूँ एक्टिंग के लिए। मैं बहुत पैशनेट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी मुझे वर्सेटैलिटी वाले ही कैरेक्टर मिले, तो मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे प्ले करने। आने वाले और कौन से फिल्में आ चुकी हैं? वो जैसे छतरी वाली रकुल प्रीत, उसमें स्टारिंग है, उसमें भी हूँ मैं, बच्चे का किरदार किया था। और मिनी सीरीज पे वो चल रही थी आपके अमेजोन वाले पे, ये क्रश करके, उसमें भी हूँ मैं छोटे से रोल। बट रोल छोटा हो या बड़ा मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा हो, मैं कितने अच्छे से कर पाती हूँ, मुझे उस चीज में ज्यादा बिलीव है। जी मैं लखनऊ की हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, यहीं बनी है तो ये सबसे अच्छी चीज है कि यहीं बनी है, तो यहाँ के लोग जितना ज्यादा उस चीज को सपोर्ट कर पाए वो सबसे अच्छी चीज होगी। बाकी और सिटीज में सपोर्ट करें वो भी चलेगा, लेकिन लखनऊ में बनी है तो लखनऊ के लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। मूवी देखना, मूवी बनना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी छोटी बहन है और हमारे परिवार में सबसे छोटी है, उसने मूवी की है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और अब ये मूवी टेलीकास्ट भी होने वाली है, बहुत टाइम लग गया है इसको बनने में, बहुत तब छोटी थी, 2015-16 में ये मूवी बनी है, तब ये बहुत छोटी थी। अब तो खैर काफ़ी टाइम भी दिया, कोविड की वजह से काफ़ी लेट हो गया इस मूवी को आने में, बट फाइनली ये मूवी रिलीज़ हो रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि बच्चा हमारा और तरक्की करे और अच्छे अच्छे रोल करे।